नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यसजाड़ा न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर जिले में कुछ संगठनों द्वारा प्रदेश में चंदे के नाम पर निकाली जा रही रैली में सांप्रदायिकता को लेकर आज भोपाल मध्य के विधायक आरिफ मसूद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पुलिस हेडक्वार्टर में DGP को एक ज्ञापन सौंपा। 10 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहा और उस समय जब मुख्यमंत्री रहा तब बाबरी मस्जिद गिरने के बाद दंगा फसाद चला हुआ था और हर हफ्ते 15 दिन में यहाँ दंगा हो जाया करता था। लेकिन 10 साल तक जब तक मैं मुख्यमंत्री रहा हमने एक भी दंगा नहीं होने दिया, और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भड़काने का प्रयास किया, जिसने भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई की। और इसी के लिए मैंने मध्य प्रदेश से स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल दोनों को बैन करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश की थी कि जिस प्रकार से आज ये घटनाएं हो रही हैं और भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए मोहल्लों में हथियार, लाठी, तलवार, भड़काने वाले नारे लगाकर और विशेषकर टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम मोहल्लों को, मैं इसका विरोध करता हूँ। पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राम मंदिर निर्माण न्यास का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय हमारे महंत नित्य गोपाल दास जी हैं। तो मैं जो लोग चंदा वसूली कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण का, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको किसी ने अधिकृत किया है? क्या किसी ने आपको रसीदें दी हैं चंदा उगाने के लिए? या केवल आप हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, बिगाड़ने के लिए आप इस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में निर्मित कर रहे हैं? उज्जैन, मंदसौर, इंदौर की घटनाओं की पूरी जांच होना चाहिए और प्रशासन को, कलेक्टर और SP को जवाबदार ठहराना चाहिए कि उन्होंने इजाजत कैसे दे दी। अजीब सी घटना है, जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनके ट्रैक्टर और गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, जिनको गोली मारी जा रही है, उनके ही खिलाफ मुकदमा दायर हो रहा है, ये कौन सा न्याय है? हम मांग करते हैं कि रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी कोई ऐसे हों जो कि पूरी निष्पक्षता जिनकी प्रमाणित हो, ऐसे लोगों को इस पूरे 3 घटनाओं की जांच करना देना चाहिए और कलेक्टर SPs को जिन जिलों में ये हुआ उनको तत्काल हटाकर वहां पर दूसरे लोगों को पोस्ट किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए, जैसे कि केंद्र सरकार का नियम है, कानून है, उसका पालन करना चाहिए। आगाह कर देना चाहता हूँ, जितने भी IAS IPS अफसर हैं वो संविधान से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, और जिस तरह से संविधान के का मखौल उड़ाया जा रहा है, नियम और कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। भारत का संविधान ही की शपथ मुख्यमंत्री जी आप लेते हैं, मंत्री जी आप लेते हैं, और IPS IPS अफसर भी उसके शपथ और उसके नियम और कानून के अंतर्गत काम से बंधे हुए हैं। उससे हटकर आप कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के गुलाम नहीं है, इस बात को मैंने आगाह किया है।